एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के हटा बस स्टैंड पर हटा थाना पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए टीकमगढ़ से कटनी जा रही यात्री बस से करीब 2 क्विंटल अधिक से अधिक मावा और मिल्क केक पकड़ा है। यह सामग्री टीकमगढ़ से कटनी की ओर जा रही थी। सूचना पर टीम ने जब बस की जांच की तो मावा की खेप बरामद की गई। पूछताछ पर बस कंडक्टर ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा यह दूसरी बस से पलटी कर उनकी बस में रखा गया था। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने सामग्री जब्त कर हटा थाना भेजी है। मामले की जांच की जा रही है। कार्रवाई में हटा SDOP प्रशांत सिंह, सुमन थाना प्रभारी मनीष कुमार, खाद्य अधिकारी मालती बधौलिया और राकेश अहरवार प्रमुख रूप से मौजूद रहे। एसीएन न्यूज के लिए नरेश मिश्रा की रिपोर्ट। खाली गाड़ी है। TI और SDOP के निर्देशन में और SDM साहब के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग दमोह द्वारा आज हटा बस स्टैंड पर 2 क्विंटल से ज़्यादा मिल्क केक और बर्फी इनका जब्त किया हमने और इनके हम लोग विधिवत नमूने ले रहे हैं और नमूने लेकर इनको जाँच की राज्य खाद्य परीक्षण भोपाल में दी है। हमने पता किया है कि ये जिस बस से आया था उनके कंडक्टर से हमने पता किया कि ये गलत कटनी मार जा रहा था, परंतु हमने संदेह के दृष्टि से इन गवाह बना के और इनसे हम लोग सैंपल कार्रवाई की। माल के साथ कोई आदमी भी मिला क्या? नहीं, आदमी कोई मिला, सिर्फ बस के अंदर ये रखा हुआ था और बस में कंडक्टर बोला कि हमने दूसरी बस से हम इस बस से पलटी की। कहाँ से लाया जा रहा था ये बोले तरफ से आ रहा था, टीकमगढ़ बस से ये कटनी तरफ जा रहा था। कितनी अनुमानित मात्रा है, कितनी कीमत से अधिक कितनी कीमत रहेगी इसकी? 3000 की कम से कम।